मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 9 जून को दिल्ली से नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद जर्मनी जाने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। वहीं सीएम ने विदेश जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस यात्रा के पीछे उनका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार नीदरलैंड और जर्मनी में अपने औद्योगिक नीति का प्रचार करेगी ताकि निवेशकों को हिमाचल की तरफ आकर्षित किया जा सके, देश के अंदर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। पहली बार जा रहा हूं भाई, पता नहीं, अब गांव के रहने वाला हूं मैं। विदेश आज से पहले नहीं गया, लेकिन अब की बार जाने की बात इसलिए बनी कि एक कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में नया एक जो है एक इवेंट के रूप में, जहां हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में विकास को करने की जो बातें हैं वो सारी चीज़ें चली रही, वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की जो संभावना है उनको और गति देने के लिए काम करना चाहिए। उस दृष्टि से हमने तैयारी की है और एक इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने जो है वो धर्मशाला में तय की है और उसमें मैं आज जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दूंगा और साथ साथ में पूरे देश के अंदर, देश के अलावा देश से बाहर से भी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में लोग आ सकते हैं, आएं और हिमाचल के विकास में अपना योगदान दें।